आप लोगों को मैं एक आज नया ठिकाना बताऊं और किस किस के पास है, क्योंकि जेंडर अभी बैन हो चुका है, सो चाइनीज ऐप था, इसलिए हम प्ले स्टोर में से कोई भी ऐसा ऐप नहीं ढूंढ सकते जो वो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में फाइल या गान या गेम कोई भी ट्रांसफर कर सकते एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में। इसलिए यदि आप ट्रांसफर करने चाहते हैं बड़ी आसानी से जेंडर जैसे, तो यही ऐप यूज़ करनी है, क्योंकि मैं भी करता हूँ ये ऐप, तो प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आइए कौन सा ऐप है मैं दिखा देता हूँ, तो आइए मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ, प्ले स्टोर में ही आपको मिल जाएगा ऐप, एक शेयर का नाम है और मैं दिखा देता हूँ कि इधर आपको जेंडर जैसे ही सब कुछ फैसिलिटी मिलेगा, और इधर हिस्ट्री भी जेंडर जैसे ही दिखेगी, हिस्ट्री मिलेगी आप लोग को कौन सा फाइल है, और इधर आप सेंड रिसीव दोनों ऑप्शन है। यदि इसे आप एप्लीकेशन सेंड करना चाहते हो तो आप एप्लीकेशन चूज करो, और चूज करके आप सेंड करो। इधर आपको जैसे जेंडर में लोकेशन देना पड़ता था और वाईफाई ऑन करना पड़ता था, इधर भी आप लोगों को ऑन करना पड़ेगा। तो तब आप QR कोड आ जाता है, तो QR कोड आने से आपको जो रिसीव करेगा उसे स्कैन करना पड़ेगा, तो स्कैन करके आप इंस्टॉल करना पड़ेगा आप लोगों को। और जैसे ही जो सेंड करेगा, सेंड करने के बाद जो QR कोड है वो निकल आएगा, तो उसको जो रिसीव करने वाले हैं वो स्कैन करेगा। ऐसे ही है तो जेंडर में होता है, तो सेम ऐसे ही होता है, ये प्ले स्टोर में आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा, आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा ऐप है, और बड़ी बड़ी कम समय में आप जेंडर में जैसे आप लोग को फाइल हो या मूवी हो या गेम्स हो आसानी से ट्रांसफर हो जाता था, तो ऐसे ही आपको इधर सुविधा मिलेगा। और यदि वीडियो देखकर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर कीजिए। आज के लिए शुभ रात्रि।